गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम दाल खाते हैं रोज, जो हमारे घर में दाल बनते हैं, उनके हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं, यही आज का एक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये ऑरेंज कलर वाली जो दाल होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हिंदी में कहते हैं मसूर दाल, एंड इंग्लिश में कहते हैं रेड लेंटिल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं मसूर दाल। देख लो, ये इस दाल की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको कहते हैं मसूर दाल, और इंग्लिश में कहते हैं रेड, RED, रेड लेंटल, LENTIL, लेंटल। उसके बाद ये येलो कलर की जो दाल है उसको कहते हैं हिंदी में चना दाल, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं चिक पीस स्प्लिट, CHICKPEAS, चिक पीस स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट। नेक्स्ट ये देखो, मेरे घर पे ये सूखा मटर था, ठीक है, उसको मैंने चिपका दिया, इसको कहते हैं हिंदी में सूखी या सफ़ेद मटर, इंग्लिश में कहते हैं ड्राई पीस, DRY, ड्राई PEAS, पीस। देखो अच्छे से, ये देख लो आप लोग इसका पिक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो बड़ा बड़ा जो चना होता है, ठीक है, जिसको हम छोले बना के खाते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? उसको हिंदी में कहते हैं काबुली चना, और इंग्लिश में कहते हैं चिक पीस, CHICK, चिक पीस, PEAS, चिक पीस। देखो इसको कहते हैं चिक पीस, ओके। नेक्स्ट ये जो हम दाल खाते हैं, रोज ही खाते हैं, ये सबके घर में होता है, जिसको कहते हैं मूंग व पीली दाल, ठीक है, मूंग येलो दाल, स्किन दाल, इसको हिंदी में कहते हैं इस दाल को मूंग पीली दाल, इंग्लिश में इसके दो नाम है, मूंग येलो दाल एंड स्किन दाल, SKINNEDDAL, स्किन दाल, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे घर पे ये राजमा था जिसका छिलका हमने उतार के रखा था, तो मैंने यही आप लोगों के लिए चिपका दिया, और इसको हिंदी में कहते हैं राजमा, इंग्लिश में कहते हैं किडनी बीन्स, KIDNEY, किडनी बीन्स, BEANS, बीन्स, और ये इसका और एक नाम है बीन्स, BEANS, जो कि ये कलरफुल होता है, ठीक है, लेकिन हमने इसका छिलका उतार के रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं दिखता है, इसके छिलके के साथ हम लोग आराम से जानते भी होंगे, किसी के घर पे है तो आप लोग उसे देख सकते हैं, ये हम मेरे घर पे बिना छिलके का था तो मैंने उसे आप लोग के लिए यूज़ किया। नेक्स्ट ये है उड़द की दाल, या इसको कहते हैं हम काली दाल, ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये उड़द की दाल कहते हैं हम इसे, और इसे काली दाल भी कहते हैं, इसका इंग्लिश में नाम है ब्लैक ग्राम, PLACK, ब्लैक, GRAM, ग्राम, और स्प्लिट भी कहते हैं, SPLIT, ब्लैक ग्राम स्प्लिट, देख लीजिए इसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये, इससे साबूदाना की खिचड़ी भी बनती है, उसके बाद इसकी खिचड़ी भी बनती है, उसके बाद इसे हम खीर में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं साबूदाना, और इंग्लिश में कहते हैं सागो, SAGO, देख लीजिए आप लोग इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये आप लोगों का और एक दाल है, इस दाल को हिंदी में कहते हैं अरहर की दाल या तुअर की दाल, इंग्लिश में कहते हैं रेड ग्राम, RED, रेड, GRAM, ग्राम, और पीजन ग्राम, PIGEON, पीजन, GRAM, ग्राम, इसके दो दो नाम हैं, हिंदी में भी दो नाम है, इंग्लिश में भी दो नाम है, कोई भी एक नाम से हम इसको जान सकते हैं ये वाली दाल को, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास, मेरे घर पे और एक चीज़ है, ये फेवरेट होता है, सबको पॉपकॉर्न पसंद है। अब पॉपकॉर्न को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, चलो आज हम लोग वही जानेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको
मक्का, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं मेज, MAIZE, मेज। तो मेरे घर पे बच्चों यही कुछ चीज़ें थे, ठीक है, मेरे घर पे ये सब कुछ चीज़ें थी जिनसे मैंने सोचा आप लोगों को कि इनका इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं मैं आप लोगों को ज़रा बता दूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इन सभी चीज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में इनके क्या नाम हैं, ठीक है। और इन ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों का, ये हमें प्लांट से मिलता है। किस चीज़ से मिलता है? प्लांट से मिलता है हमें ये सब चीज़ें हमें प्लांट से मिलता है। और इस प्लांट से मिलता है इसीलिए हम इसे पल्सेस कहते हैं, PULSES, पल्सेस। आज के लिए सिर्फ यहीं तक, आप लोग ये सब का नाम अच्छे से हिंदी में और इंग्लिश में याद कीजिए। और जिनके पास घर पे जो भी डाल है या फिर कुछ भी इनमें से जो भी आप लोगों के पास है घर पे, वो आप लोग जैसे कि मैंने यहाँ पे चिपका के नाम लिखा है, आप लोग भी वैसे चिपका के नाम लिख सकते हैं। खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस घर पे जो है वही चिपकाना है। मेरे घर पे ये सब थोड़ा थोड़ा था तो मैंने सब थोड़ा थोड़ा चिपका दिया वाइट पेपर पे। आप लोग भी ऐसे ही चिपका सकते हैं। तो आप लोग याद कीजिए इसका हिंदी और इंग्लिश का नाम और आराम से ये देखिए घर पे क्या क्या है, और उसको मम्मी पापा के सामने बताइए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं।